विनेश नमस्ते। सर नमस्ते। जी आप फोगाट फैमिली से हैं, आपके पूरे परिवार ने खेलों के लिए इतना कुछ देश को दिया है, इस पहचान की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी तो नहीं आ जाती है? जिम्मेदारी तो बिल्कुल आती है क्योंकि फैमिली ने जो काम स्टार्ट किया है वो खत्म करना है। और वो जो सपना ओलंपिक्स का लेके स्टार्ट किया था वो जब मेडल आएगा उसके बाद ही शायद खत्म होगा। तो उम्मीद तो है सर, पूरे देश की उम्मीद है, फैमिली की भी उम्मीद होती है। और मुझे लगता है कि उम्मीदें जरूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि जब उम्मीदें दिखती है तभी हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करते हैं एक लेवल पे जाने के बाद में। तो अच्छा लगता है सर, कोई प्रेशर नहीं है, अच्छे से खेलेंगे और देश को प्राउड करने का बिल्कुल मौका देंगे। देखिए, पिछली बार आपको रियो ओलंपिक में चोट की वजह से हटना पड़ा था, पिछले साल भी आप बीमार थी। आपने इन सारी बाधाओं को पार कर शानदार प्रदर्शन किया। इतने स्ट्रेस को सक्सेस में बदलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कैसे किया आपने? सर डिफिकल्ट होता है काफी, बट वही है कि एज ए एथलीट, हम एथलीट टॉप लेवल पे अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें मेंटली स्ट्रोंग रहना पड़ता है। और एज ए एथलीट मैं सोचती हूँ कि हमें ये जरूरी है उस लेवल पे ले जाने के लिए, वो पुश करने के लिए। सो फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपके पीछे, तो फैमिली का सपोर्ट रहता है हमेशा। और जो भी हमारी फेडरेशन है या टॉप्स है, साई है, सभी लोग पूरा ईमानदारी के साथ में लगे रहते हैं। तो एक रहता है कि नहीं, उन लोगों को निराश नहीं करना है जो लोग इतना सब हमारे पीछे लगा रहे हैं उम्मीदों के साथ में। तो ऐसे कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि वो रुकना नहीं है इसीलिए वो हमें पुश कर रहे हैं। वो काफी चीजें हैं सर उस टाइम पे याद आती हैं, तो हम उसके लिए लगे रहते हैं, चाहे इंजरी हो चाहे कोई भी चीज आए। मुझे तो पूरा यकीन है कि आप टोक्यो में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाली है। क्या हम उम्मीद सर बस करें कि अब यही आप कमी है। आगे आप पर भी एक फिल्म आने वाली है? सर बस आप लोगों की अच्छा, दुआ है और मैं चाहेंगे कि हम सभी जितने भी एथलीट जा रहे हैं अपनी कंट्री को बड़ा मौका दे, हर दिन मेडल आते रहें। और आप लोग जो पूरा देश जो उम्मीदें लगाए बैठा है उनको हम निराश ना करें। आपके माता पिताजी भी जुड़े हैं, आपके पिताजी तो आपके गुरु भी हैं एक प्रकार से। जरा मैं पिताजी से बात जरूर करना चाहूंगा। आपसे मेरा सवाल जरा थोड़ा हट करके है। जब कोई फिट और तंदुरुस्त होता है तो हमारे देश में कहते हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? तो फोगाट फैमिली अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाती है? वैसे ये भी बताइए देखिए, कि विनेश को क्या मंत्र देकर टोक्यो भेज रहे हैं आप? जो चक्की का आटे की है, हम जो अपने गांव के घर की चक्की का आटे खाते हैं और अपने देसी घी उसका और गाय भैंस रखते हैं, गाय भैंस का दूध, दही, मक्खन, यही खिलाया, हरी सब्जी। और विनेश का जो पिछली बार जो 2016 में जो दौड़ लगी थी, जो सारे देश को उम्मीद थी, उस टाइम जो सारे देश को दुख हुआ था, तो हम तो पिताजी माँ बाप हूँ तो हम तो दुख हो रहा था। तो आज जो मेरी बेटी है, पूरा उम्मीद है, मैंने तो एक ही वादा किया था, अगर ओलंपिक गेम में मेडल लेकर आओगे तो भी मैं एयरपोर्ट पर लेने आऊंगा, इतने भाई मैं आऊंगा नहीं। और आज भी मैं लगा हूँ इस चीज पर, आज मुझे विश्वास है। पिछली बार तो मेरी बेटी रह गई थी, लेकिन अब की बार ओलंपिक में पूरी आस उम्मीद है। जनो इसके पिछले टूर्नामेंट देख लो, इन्हें लगती जो अपने जो अब आगे बढ़ाते रहिए, मेडल लेती है, तो अब की बार मेरी बेटी पर पूरा विश्वास भरोसा है, अब की बार भी गोल्ड मेडल देकर आएगी, मेरे सपना पूरा करेगी। देखिए विनेश जी, आपके पेरेंट्स की बातों से मुझे भरोसा हो गया है कि विनेश आप जरूर जीतेगी। आप लड़ती हैं, गिरती हैं, जूझती हैं, पर हार नहीं मानती हैं। आपने अपने परिवार से जो सीखा है, जरूर वो इस ओलंपिक में देश के काम आएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके माता पिताजी को मेरे प्रणाम है।